हरियाणा के नारनौंद में महंगाई भत्ता रोकने को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई भत्ता रोकने पर हरियाणा में कर्मचारी जगह जगह सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ता रोककर सरकार उन्हें सड़क पर लाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतरकर सरकार के इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज 1 मई विश्व मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में जो मजदूरों के हितों को की रक्षा करते हुए जो मजदूर शहीद हुए हैं उन सबको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से और सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं और उन मजदूरों की शहादत को नमन करते हैं। और साथ में जो इस कोरोना की जो महामारी देश में आई हुई है, इस दौरान जितने भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं उन सब का हौसला अफजाई भी करते हैं। और साथ में सरकार ने जो कर्मचारियों पर DA फ्रीज करने की जो योजना लागू की है और साथ में अनुबंधित कर्मचारियों के ऊपर भी रोजगार के ऊपर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे हम ये सूचना सरकार को इस माध्यम से देना चाहते हैं कि वो कर्मचारियों से ये भेदभाव छोड़ दे और इस कोरोना के समय में जो सरकारी कर्मचारी तन मन धन से एक किए हुए हैं और लोगों की जनता की सेवा करते हैं उनके लिए ऐसे कठोर निर्णय न ले। इन्हीं आज ये जो विरोध प्रदर्शन भी किया गया है और आने वाले समय में सरकार से ये मांग करते हैं कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी न करें, नहीं तो आगे लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार के खिलाफ सभी कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था जी? आज के प्रदर्शन का मुख्य विषय था मई दिवस के रूप में जो हर वर्ष मनाया जाता है, आज तक जो कर्मचारियों और मजदूरों के हितों की लड़ाई को लेकर के जो लोग मजदूर शहीद हुए हैं, जो मजदूर या कर्मचारी नेता शहीद हैं उनको लेकर के ये मई दिवस के रूप में हर वर्ष ये मनाया जाता है। और आज इसे COVID-19 के मद्देनज़र जो सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ वित्तीय निर्णय जो कठोर लिए हैं, स्वेच्छा से सभी कर्मचारियों ने अपने मूल वेतन का 10% इसमें राहत कोष में दे दिया था, लेकिन अब सरकार ने DA फ्रीज करने की बात की है जो 1.5 वर्ष के लिए है। इसका आगामी परिणाम, जब तक एक कर्मचारी रिटायर होता है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का उसको नुकसान हो रहा है, और LTC फ्रीज करने की बात है। इन्हीं बातों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया और ये सरकार कर्मचारियों के नहीं आम जनता के आंखों में भी धूल झोंक रही है। 24 तारीख को जब कोरोना के लिए लॉकडाउन की घोषणा की जाती तो 23 तारीख को ये सरकार अपने विधायकों के जो आवास भत्ता है उसको, इनको पता था कि लॉकडाउन होने जा रहे हैं, ये 23 तारीख को अपना मकान किराया भत्ता जो है उसको इन्होंने 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया। ये अपने हितों के लिए फैसला 1 मिनट में लेते हैं और जब कर्मचारी के लिए 2 से 5 रुपए या मजदूर के लिए, या आज किसान की दशा आप देख रहे हैं, लंबी लंबी 3-3 किलोमीटर की लाइनें होते हैं, पूरी पूरी रात वो लोग खेत में काम करते हैं, सुबह वो 4 बजे आके मंडी के गेट पर खड़े होते हैं लेकिन एंट्री नहीं होती। इन्हीं बातों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ पूरे हरियाणा में आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो नई भर्तियों की बात हो, बहाना बना लिया इन्होंने, आज बेरोजगारों की बहुत लंबी लाइन है हरियाणा के अंदर, लेकिन रोजगार के अवसर भी इन्होंने बंद कर दिए कोरोना का बहाना करके। इन्हीं मांगों को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज पूरे हरियाणा में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।